हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन गोल्डन न्यूज चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सरस पंकज कुमार सरस और ये मेरा दोस्त मेरा नाम अंकुर है। फ्रेंड्स, हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। इस तरह की वीडियो देख करके आप इंटरटेनमेंट आपको मिलता है, आपको आपका मनोरंजन होता है और आपका मूड फ्रेश होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो हम हेलो ऐप से, फेसबुक से और विभिन्न तरह के सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पर जो अपलोड की जाती है, उन तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एक बंदर है ये, बंदर ये हिरन है। वो सर, इस हिरन को ये पता है कि पल तरफ शेर है, वो जाल की पल तरफ, इसलिए वो डरेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं डरेगा, बिल्कुल डरेगा। ओ डरा रही ना, बिल्कुल नहीं डरेगा। सब जानवर को ये समझ है कि ये कुछ नहीं करेगा, पल सिर्फ जाल है, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वो डर भी नहीं रहा है। बिल्कुल दोस्ती बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट हिरन के बिल्कुल मुँह के सामने खड़ा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे गिर गए सूर्य के देश मोटा कीड़ा ही कैसे खा सकता है। टैलेंट है, हर जीव के अंदर टैलेंट है। ये ऐसा कितना घूमेगा, ले गया ले गया। आइए ये मोटा हो जाएगा, हाल कैसे गिरेगा, पीछे हो गिरेगा, पे कट जाएगा, ले हाल कर रही है बंदर को माफी मांगना दिखता है। अरे ये तो कुत्ते के सामने बनाते रहा है बंदर, चोरी मांग लिया बंदर ने, बंदर को घुसता है। और नी वाले से आपकी लड़ाई तो आपने देखी होगी, तो देखो न्योल नहीं है, वो गिलहरी है, न्योल है जंगली गिलहरी। अच्छा, बार बार उसको डंक मार रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने उसके बच्चे हैं साइड में, उन बच्चों को सेफ्टी के लिए इसे इसको भगाना चाहती है, इसलिए बार बार उसको काटती है। और इसको पता है इसको इसने काट लिया है, रेटल इसने प्रदर्त से शाम है, उसने काटा है, कहीं मर जाएगी अपने बच्चे के लिए, तो बच्चे मर जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दिया। ये इसको भगा के मानेगी, बिल्कुल काट रही है। और काफी हैरान है कि एक गिलहरी में इतनी साहस, इतना हिम्मत कहाँ से आ गया। वो डरी भी है बिल्कुल, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ जान पर खेलकर सांप को भगाने में कामयाब हो गई है। वही है ना, माँ अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकते हैं, वही माँ, माँ से बढ़कर इस दुनिया में फ्रेंड दोस्तों कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो मातृत्व जानवर के अंदर हो, चाहे इंसान के अंदर हो, माँ माई चाहे तो किसी की भी माँ हो। आप यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया इसने, अब जाएगा ये। और जबकि ये गिलहरी इसको, ये सांप इसको सटक सकता था। ये देखिए, ये मैदानी जंग इन्हें कहते हैं। इस तरह की वीडियो काफ़ी विरली होती हैं, काफ़ी मतलब मुश्किल होती हैं, जो एक बार बन जाती हैं दोबारा से ऐसी वीडियो कभी नहीं बन पाती हैं, क्योंकि ये अचानक से होने वाली घटनाएँ हैं जो कैमरों में कैद हो जाती हैं, इसलिए इन वीडियो का काफ़ी महत्व होता है।
ये देखिए ये देखिए ये कैसे गया है वो कैमरा लग रहा है फिर कोरी में आ गया ये। और ये देखिए ये क्या हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंखी को छाया नहीं और फल आ गया। वाह 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 वा। एक छोटा सा पिल्ले की हिम्मत तो देखिए बिल्कुल खाना बिल्कुल तक नहीं दे रहा है खान नहीं दे रहा है और अब खुद भी नहीं खा रहा पहले उसको खा रहा है जिगर समस्या बढ़िया सब जिगर की कहानी है जिसके अंदर जिगर होता है वही शेर होता है वही सिकंदर बनता है। इसकी हिम्मत नहीं है कि वो इसके कटोरी में मुंह डाल दे बिल्कुल ये इसने और नहीं है वो करंट मारने वाली टॉर्पीडो मछली है मुंह में भरा करंट लग गया उसको अच्छा ये देखिए ये पलट गया घटना में कभी कभी जान तक चली जाती है लेकिन यहाँ पर ये देखिए अगर आप घर से बाहर निकले और आप हमेशा अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके साथ में छड़ी लेकर के निकले एक लट्ठा लेकर के निकले क्योंकि इससे आप उस तरह के जानवरों से अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। और ये सांड इसको काफी देर तक संघर्ष होगा इनके बीच में और ये देखिए एक बार फंस गया जाल में चलो जान बची लाख हो पाए लौट तो बुद्धू कर पाए दंगल दंगल बाग इतने डरपोक है वो चाहता तो साइकिल वाला साइकिल खड़ी कर करके इस साउंड को भगा सकता था बिल्कुल साइकिल का सहारे लेकर के भगा सकता था लेकिन पता नहीं लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं पता नहीं कहाँ तक सुनकर पैदा हो गए सब लोग सब गंदे नाले के ये बेचारे की हड्डी टूट गई होगी हड्डी ज़्यादा टूटी इसकी पर भाई इसका पीछा पकड़ लिया हमने अब थोड़े नहीं और देगा एक और देगा इसके ऊपर एक आदमी आएगा वो पानी डालेगा तब भागेगा भागेगा ये अरे वाह पानी में इतनी ताकत जो इंसान में नहीं है तो वह रेस्ट ना करो काट दियो अरे ये कौन है ओह माय गॉड वाह अच्छे हो गए कार के चुड़बे पता चल रहा है तुमने बुक तक कैट कर बेचारे देखो जंगली जानवर कितना सहूर है वो उस मछली को तालाब में ढकेल रहे हैं फ्रेंड हम लोगों के अंदर दया नहीं है लेकिन जानवरों के अंदर दया होती है कितना फल अगर बारिश पड़ रही है और आपकी सब्जी है तो बारिश पड़ने से पहले ही सेफ्टी कर लेनी चाहिए इस यह वीडियो तरह का आपको मैसेज देती है इस तरह की घटना घटने से पहले आप सावधान रहें अगर बारिश हो रही है तो अपने सामान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधनों का छुटा लें इस तरह की वीडियो हमें काफ़ी मैसेज देती हैं और हमें सीख देती हैं कि हम ऐसा गलती ना करें और ये देखिए वीडियो है ये पानी डालते ही इसमें जो ब्लास्ट हो जाएगा ये देखो कभी तो मुझे तो लग रहा है कि शायद वो जो आदमी पानी डाल रही तो उन्हें कुछ ना हो गया क्योंकि जो पानी डाल रहा था वो आदमी तो कुछ पास में था और जो वीडियो बना रहा था वो भी उसका भी कैमरा हिल गया था और ये देखिए रेड स्नेक और किंग कोबरा के बीच फाइट किंग कोबरा बहुत खतरनाक सांप होता है और रेड स्नेक भी बहुत खतरनाक प्रजाति का एक स्नेक है इन दोनों की फाइट हो रही है किंग कोबरा 10 सेकंड में आदमी को ख़त्म कर देता है 10 मिनट का टाइम देता है बस ये
किंग कोबरा ने रैटल स्नेक के स्नेक के ऊपर कई बार किए हैं इसने, बन जाएगा वो पक्का। अगर उसको सही में उसने जहर उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है तो निश्चित रूप से रैटल स्नेक मर चुका होगा और फिर ये इसको खा जाएगा, क्योंकि वो किंग कोबरा है। किंग कोबरा नाम उसका ऐसे नहीं है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक सांप में गिना जाता है, काफ़ी जहरीला भी होता है। फ्रेंड्स, अगर कोई सांप हमें काट ले तो हमें यह ध्यान रखें कि वो किस तरह का सांप था, कैसा उसका कलर था, क्योंकि उसी के हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट होता है। और अलग अलग सांप की अलग अलग वैक्सीन होती हैं, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं जो उनके हिसाब से दी जाती हैं, जो सांपों की नस्लें होती हैं। एक बार फ्रेंड्स मुझे ऐसी कोई एक महीना हो गया होगा मुझे सांप ने काटा था पाँव में, लेकिन मैंने उस सांप को जब काट के रात का टाइम था और भाग रहा था, मैंने चोट लगा उसको खोजा और मैंने देखा वो कैसे सांप था, वो पीले कलर का सांप था, इसलिए मैंने भगाया नहीं और नॉर्मल तरीके से ही बस चलता रहा और ऐसे घर जाके मैंने प्याज और लहसुन लगाया और मैं ठीक हो गया। तो इसलिए आप अगर आप पहले ये देखें कि नस्ल की कौन सी नस्ल का सांप है, अगर काला है गहरा काला है तो आप जल्द से उस जगह कट मार करके या बंद लगा करके अपना खुद से खुद स्वस्थ करें और अपने फ्रेंड्स को कॉल करें, क्योंकि मुझे पता था वो सांप इतना जहरीला नहीं है, इसलिए मैं पैदल धीरे धीरे चलता हूँ, घर पहुँच के मैंने ट्रीटमेंट ले ली थी खुद। लेकिन आप ऐसा ना करें और आप तुरंत अगर कोई बड़ा सांप है और जहरीला है तो उसके लिए आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर या फ्रेंड्स के पास कॉल करें, ताकि जल्द से जल्द आपके पास सहायता पहुँच सके। ये देखिए।